freedom to speak up, freedom to say what's on my mind without any fear. जब औरतें बोलती हैं तो बहुत threatening होता है. आजकल लोगों को मतलब औरतें सड़क पे निकल रही हैं वो threatening है, औरतें अपने मर्जी के कपड़े पहनती हैं वो threatening है, औरतें अपने opinion रखें और पॉलिटिक्स पे बात करें, किसी भी मुद्दे पे बात करें, वो थ्रेटनिंग है. जो चर्चा होते हैं और अगर पॉलिटिक्स पे हो रहा है तो वो एक अपने आप में एक मर्दाना स्पेस बन जाता है. उसमें लड़के जिस हक से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लगता है कि मतलब ये उन्हीं का मुद्दा है बात करने का, औरतों का तो कोई पॉलिटिक्स में रियल पॉलिटिक्स में भी रोल कम है और उनके पास मतलब कोई ओपिनियन अपना है ही नहीं. आप छोटे होते हो तो आपको बोला जाता है कि ऐसे ये खेल मत खेलो, ऐसे करो, ऐसे पहनो, ऐसे बैठो, पैर खोल के मत बैठो. आपको हमेशा एक रोक टोक से आपको बताया जाता है आपको कैसे रहना है और आप अपने शरीर से प्यार नहीं करके नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा क्या बात है, यू नो, लाइक ये क्यों मुझे बार बार बोला जाता है, मुझे क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फाइट विद दैट फियर, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फाइट विद दैट फियर इन एवरी स्पेस. इफ आई वुड हैव नॉट बीन अ वुमन, आई वुड हैव बीन प्रॉब्ली मोर फियर टू लिव माई लाइफ एंड बी मोर मोबाइल एंड यू नो लाइक एक्सेस एंड गो टू प्लेसेस whatever I want to do, far more easier, you know. हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों से ही शादी करनी चाहिए, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए है, उनको ये काम करना चाहिए उनकी भलाई. आप कौन होते हैं? अगर ये देश आज़ाद है और ये देश में equal rights हैं तो आप कौन होते हैं कि वो एजेंसी आप लड़कियों से या औरतों से छीन के आप तय करें कि उन्हें क्या करना चाहिए.